नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सभ्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्राउन एल्गी। तो ये काफी सारा लोग इससे परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अगर न्यू टैंक स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यू टैंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर आई बटन में मेरा एक न्यू टैंक सिंड्रोम के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक दिया है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। और नया टैंक स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को काफी सारे मछलियों को परेशानी आ रहा है, मछली मर रहे हैं, कुछ कुछ मछलियों को बीमारी हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है और किस तरह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो जरूर आपको ये पता चल जाएगा। और उसी के साथ नया टैंक के साथ एक नया प्रॉब्लम भी आ जाता है। ये यूजुअली उसी टैंक पे देखा जाता है जो आप नया मतलब शुरू कर रहे हैं, इनिशियल फेज पे है। तो ये सारे टैंक पे ये इस किस्म का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, ब्राउन एल्गे इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको जिस नाम से लोग जानते हैं वो है डायटॉम। क्या है ये डायटॉम? जब आप मान लीजिए एक नया टैंक स्टार्ट कर रहे हैं, नया टैंक स्टार्ट करते ही आप देखिएगा, जब आप पानी दे रहे हैं, पानी में आपका ग्लासेस के ऊपर, ठीक है, आपका जो डेकोरेशन है डेकोरेशन के ऊपर, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, आप लोगों को डस्ट के जैसा कुछ दिखेगा, ब्राउन कलर का कुछ दिखेगा। ग्लास पे स्पेशली आप लोगों को दिखेगा कि ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है, और उसी के साथ सबस्ट्रेट के ऊपर, प्लांट के लीव्स के ऊपर आप लोगों को ब्राउन कलर का डस्ट के जैसा कुछ दिखेगा, जिसको आप जितना भी हटाना चाहे, आप ब्रश से उसको हटा सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि आप जितना भी हटाएंगे वो दोबारा वापस आएगा। इसको कहा जाता है डायटॉम या ब्राउन एल्गे। तो काफी सारे लोग इससे, जैसे कि मैं कह रहा था, परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे इसको रिमूव करें। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये क्यों होता है। तो इसका वजह यह है कि जब आप नया टैंक चालू कर रहे हैं तो आपके टैंक में जाहिर सी बात है कि कोई भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपका एक्वेरियम में, आपका फिल्टर में या फिर डेकोरेशन आइटम में, सबस्ट्रेट पे, कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब आप एक्वेरियम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेनिफिशियल बैक्टीरिया का एक कॉलोनी चाहिए होता है। अब ये ब्राउन एल्गी एक बहुत अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। क्या होता है कि जब आपका ये टैंक साइक्लिंग के थ्रू जाता है, अगर आपको टैंक साइक्लिंग के बारे में पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में जो आइकॉन आप लोगों को दिख रहा है वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी। तो ये न्यू टैंक सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, न्यू टैंक सिंड्रोम के दौरान जाते हुए या फिर साइक्लिंग के थ्रू जाते हुए क्या होता है, जब आपका इनिशियल लेवल पे बैक्टीरिया बनना चालू होता है तो आपका एक्वेरियम का जो पानी है उसमें नाइट्रेट लेवल बढ़ता है, अमोनिया बढ़ जाता है। कैसे? जो आप फूड ऐड करते हैं, फूड के जरिए आपका अमोनिया बढ़ता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक दो मछली रखते हैं तो उसको खाना देते हैं, उसके वजह से आपका अमोनिया बढ़ता है। तो अमोनिया बढ़ते ही छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया आपके फिल्टर में, आपका एक्वेरियम के सबस्ट्रेट में, ये धीरे धीरे करके पैदा होना चालू करता है। तो ब्राउन एल्गी देख के आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एक्वेरियम अभी साइक्लिंग के थ्रू जा रहा है, साइक्लिंग इसमें स्टार्ट हो गया है, मतलब कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है ये आपके एक्वेरियम में आना चालू हो गया है। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा एक पैरामीटर है, ये आपको दर्शाता है कि आपका एक्वेरियम में साइक्लिंग हो रहा है अभी। तो ये तब जाएगा जब आपका एक्वेरियम फुल्ली साइकिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपका एक्वेरियम फुल्ली साइकिल हो गया है? क्योंकि जैसे ही डायटॉम आएगा उसके बाद जो आएगा वो है ग्रीन एल्गी। अगर आपका एक्वेरियम में बैलेंस नहीं है, मतलब कुछ भी चीज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आप लोगों को कि अगर कुछ भी चीज बैलेंस नहीं है तो उस मामले में आपको इस तरह का ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगा। ब्राउन एल्गी को आप ब्रश से हटा सकते हैं जैसे कि मैं कह रहा था पहले, लेकिन जितना भी आप हटाएंगे वो दोबारा वापस आ जाएगा जब तक आपका टैंक साइक्लिंग ना हो जाए पूरी तरह से। इसके अलावा, ब्रश के अलावा क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए कुछ लीव्स के ऊपर आते हैं, लीव्स को आप काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप मैन्युअली इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जितना भी बार आप पानी चेंज कीजिए या फिर प्लांट्स का लीव काट दीजिए, कुछ भी कीजिए, ये जाने का नाम नहीं लेगा, ये जैसा का वैसा ही बैठा रहेगा। अब कितना दिन रहेगा ये डिपेंड करता है कि आपका टैंक का साइक्लिंग किस तरह से चल रहा है, मतलब आपका पानी का टेम्परेचर क्या है, आप जो खाना डाल रहे हैं, खाना किस तरह से नाइट्रेट पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके ये वाला जो ब्राउन एल्गी है ये आते हैं।
इसके अलावा और एक रीजन भी है, अगर आपका पानी पे सिलिक मतलब सिलिकेट ज्यादा है, सिलिकेट ज्यादा रहने की वजह से भी होता है। तो ये सारे जो रीजन है, ये सारे रीजन के वजह से आ सकता है। अब सिलिकेट अगर आपका वहां पे पानी पे ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उस मामले में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि किस तरह से आप अपना एक्वेरियम का पानी तैयार करेंगे। किसी भी तरह का पानी हो, चाहे वो बोरवेल का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे वो टैप वाटर हो, किसी भी तरह का पानी हो, उसको किस तरह से आप अपना एक्वेरियम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका जो भी हैवी मेटल्स है उसको कैसे प्रेसिपिट करके आप अपना एक्वेरियम का पानी, जो भी आपका नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है उससे बना सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई में आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सिलिकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हो गया रीजंस। तो रीजंस के बाद क्या होता है, क्या ये आपके एक्वेरियम के लिए हानिकारक है? बिल्कुल नहीं, ये आपके एक्वेरियम के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। हालांकि ये दर्शाता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह रहा था कि आपका एक्वेरियम साइक्लिंग के थ्रू जा रहा है और साइक्लिंग जो है वो एकदम ठीक ठाक तरह से चल रहा है। अब आ जाता है कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितने आप लोग चाहेंगे कि कितना जल्दी से जल्दी आपका एक्वेरियम से ये जो ब्राउन एल्गी है ये चला जाए, क्योंकि ये देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ग्लास के ऊपर ज्यादातर आता है और जो डस्ट की तरह आता है, अगर आप सामने से देखेंगे दोस्तों एक्वेरियम को, मतलब बहुत ही अगली दिखता है, तो आप लोगों को आंखों में हमेशा चुभता रहेगा ये। तो आप क्या इसको भगाना चाहते हैं? उसके बारे में जानने से पहले नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस कीजिए, वो ग्रे हो जाएगा, और उसके बाद बेल आइकॉन है वहां पे क्लिक कीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, तो इसको हटाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, आपका एक्वेरियम जितना जल्दी साइक्लिंग कंप्लीट करेगा उतना ज्यादा जल्दी ये चला जाएगा। अब इसको हटाने के लिए आप अपना एक्वेरियम में ड्राई बैक्टीरिया डाल सकते हैं। तो क्या होगा, आप अपने तरफ से बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है इसको आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते ही क्या होगा, ये जल्द से जल्द अपने आप को रेप्लिकेट करना चालू करेंगे, ये मतलब जल्द से जल्द रिप्रोडक्शन करना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे ये रिप्रोडक्शन करेगा और जैसे जैसे आपका फिल्टर में, आपका सब्सट्रेट में ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी बन जाएगा, तो इमीडिएटली ये चला जाएगा। अब कितना दिन लग सकता है, अगर आप ड्राई बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उस मामले में 7 दिन के अंदर आपका टैंक साइकिल हो जाएगा और आपका एक्वेरियम मछली रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों आप बिना साइक्लिंग किए भी मछली डाल सकते हैं, जिसको कहता है, कहा जाता है कि विथ फिश साइक्लिंग, इसका नाम है विथ फिश साइक्लिंग, मतलब आप इसमें आप मछली डालते हैं, जैसे कि छोटे मछली को कुछ डाल देंगे, जैसे कि मौली वगैरह हो गया, गपीज वगैरह हो गया, ये सारे जो लाइट बेयरर यू नो फिश है इसको डाल के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके खाना देता है, तो ये जो फिश पूप निकलता है, फिश वेस्ट निकलता है, तो उससे थोड़ा बहुत एमोनिया बढ़ जाता है पानी में, तो जिसके वजह से आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया का एक साइकिल चालू हो जाता है। लेकिन उसमें अगर आप करेंगे तो उसमें आप लोगों को टाइम लग सकता है, कम से कम 1 से 1.5 महीना मिनिमम जो है 1 से 1.5 महीना, उससे पहले साइक्लिंग कंप्लीट नहीं होगा। और साइक्लिंग कंप्लीट होना कैसे पता चलेगा आपको, कि ये ब्राउन एल्गी हटके आपके पास ग्रीन एल्गी आना चालू हो जाएगा, ग्रीन एल्गी आते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ अभी जो है मेरा साइक्लिंग कंप्लीट हो गया है, और जैसे साइक्लिंग कंप्लीट होगा तो ये ब्राउन एल्गी जो है हट जाएगा। अब कभी कभी मामले में क्या होता है, कभी कभी ये हो जाता है कि आप देखेंगे कि आपका टैंक पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है, 4 महीना 5 महीना पुराना टैंक है, और उसके बावजूद भी आपके पास ये ब्राउन एल्गी आ रहा है, तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं? उस मामले में जो एल्गेट्रायो का मैंने वीडियो बना के रखा है, एल्गेट्रायो का वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ मछली, ऐसा कुछ यू नो क्रिएचर्स, फ्रेश वाटर क्रिएचर्स है, स्नेल्स श्रिम्प्स वगैरह, तो ये डालने से ये बहुत मतलब मजे से ये ब्राउन एल्गी जो है इसको खाते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं कि जब आपका इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ड्राई बैक्टीरिया ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर आप फिश लेस साइक्लिंग जो है मतलब बिना मछली छोड़े आप साइक्लिंग कर रहे हैं आपका टैंक का, और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए आपका साइक्लिंग कंप्लीट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इस मामले में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको पानी चेंज करते रहिए, जल्दी जल्दी पानी चेंज कीजिए, इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये करके देखा है, पानी चेंज आप अगर आप करेंगे तो जितना ज्यादा पानी चेंज करेंगे उतना ज्यादा ही आएगा, क्योंकि क्या होगा जब आप पानी चेंज करेंगे तो कुछ कुछ करके आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ये निकल जाएगा,
अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप शायद फिल्टर भी धो देंगे और वो भी टैप वाटर से, तो क्या होगा, जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया बना है वो फिर से मर जाएगा, तो फिर से साइक्लिंग पहले से स्टार्ट होगा। तो जिसके वजह से वाटर चेंज करके आप इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। वाटर चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, वाटर चेंज करके आप जो लीव्स के ऊपर जो आपका ब्राउन एल्गी आ रहा है, जो आपका सब्सट्रेट के ऊपर धीरे धीरे करके आ रहा है, देखने में खराब लग रहा है, उसको आप शायद थोड़ा बहुत हटा सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट पॉलिसी क्या है, बेस्ट पॉलिसी यह है दोस्तों कि आप ज्यादा पानी चेंज ना करें, आप वीकली एक बार 20% से ज्यादा पानी चेंज मत कीजिएगा, 20% पानी चेंज करिए। और ये जो रेगुलरिटी है, ये जो एक वीक में एक बार पानी चेंज करना है, ये टैंक के ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि फिर भी मैं एक रूल ऑफ थम्स कहके मान लेता हूं, तो आपका ये जो हैबिट है अभी से बना लीजिए, मतलब वीकली एक बार आपको 20% पानी चेंज करना है। और फिल्टर को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, फिल्टर जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आपका प्लांट्स वगैरह थोड़ा बहुत खराब होंगे इनिशियल लेवल पे, जब आप प्लांट्स लगाएंगे तो इतना तो गारंटीड है कि थोड़ा बहुत प्लांट्स खराब होंगे, लेकिन अगर आप ठीक तरह से CO2 डाल रहे हैं, आप अगर ठीक तरह से फर्टिलाइजर डोज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक तरह से चला रहे हैं, तो ये सारे अगर आप ठीक रख रहे हैं तो आप देखिएगा जो भी प्लांट्स खराब हो रहे हैं वहां उसके जगह पे नए नए लीव्स आएंगे, और नए नए लीव्स आके आपका जो उसमें दोबारा आपका प्लांट्स आ जाएगा। तो प्लांट्स पहले पहले खराब होंगे लेकिन बाद में फिर से सेट हो जाएंगे, और जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो बिंदास है, तो फिर आप उसमें मछली छोड़ सकते हैं, और आपका मछली अगर थोड़ा बहुत ब्राउन एल्गी बच जाता है तो इसको खा लेगा आपका, अगर कोई गप्पी वगैरह या फिर मॉली वगैरह प्लैटिस वगैरह रख रहे हैं तो उस मामले में ये खा लेगा, या फिर आप अगर एल्गेट्रायो रख रहे हैं तो वो तो मजे से खाएगा। तो इस तरह से आप अपना ब्राउन एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे प्रोसीजर जिसके जरिए आप ब्राउन एल्गी को बिल्कुल भी कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप लोगों को दूसरा किसी तरह का भी एल्गी के बारे में जानकारी है या जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और उसी के साथ कुछ और दो तीन टाइप का एल्गी है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ही है। और उसी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना ही था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।